हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। तो आज हम अपने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन के एक्सरसाइज के ऊपर आ गए। हमारा पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड इस लास्ट पार्ट 4 के अंदर अभी हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, चूज द राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है? हमने ये पढ़ा था 1210 मिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1210 मिलियन। 1028 मिलियन कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भी है, लेकिन ये चाइना की पॉपुलेशन है। ये हम देख रहे थे फर्स्ट, यहाँ पे जो दिया है वो चाइना की पॉपुलेशन दी है और ये जो पॉपुलेशन दिया है वो इंडिया की पॉपुलेशन दी है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1210 मिलियन ये जो हमारे पास में 2011 के अकॉर्डिंग डेटा था, और ये जो हमारे पास में 1028 वाला था ये चाइना का पुराना डेटा था, फिर चाइना ने बाद में रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये बेसिकली हमें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन का अगर हमें पूछा होता, हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो हम क्या आंसर देते? हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात की हुई होती। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाता यूपी। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी की बात करी तो हाईएस्ट डेंसिटी कहां मिलती है हमें? बिहार के अंदर मिलती है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा बिहार यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। क्या पूछा है? अर्बन पॉपुलेशन के अंदर हाईएस्ट प्रपोर्शन किसका है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वो हमारे पास में अर्बन पॉपुलेशन के अंदर गोवा आता है। ठीक है, तो गोवा को हमें ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र भी इसी के अंदर ही था, लेकिन गोवा का नाम पहले, महाराष्ट्र का नाम बाद में दिया था, इसीलिए हमने फर्स्ट आंसर गोवा को मार्क किया है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक ग्रुप के बारे में जब हमने बात की थी, हमने चार तरीके के लिंग्विस्टिक ग्रुप को पढ़ा था। उनमें से ये था एक साइनो टिबेटन, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन और द्रविडियन। द्रविडियन हमने बात की थी, जो पूरा सदर्न वाला रीजन है उसके अंदर। साइनो टिबेटन की हमने बात की थी कि वे जो चाइनीज और टिबेटन का जो रीजन है, ठीक है, वो आ रहा था। ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा कुछ सेक्शन जो था, है ना, और देन फिर इंडो आर्यन। तो सबसे ज्यादा स्पीकिंग ग्रुप जो था, मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस किससे बिलोंग करते हैं? इंडो आर्यन से बिलोंग करते हैं। तो इंडो आर्यन इसका हमारा करेक्ट आंसर था। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, 30 वर्ड्स मतलब मोटा मोटा हमें 3-4 लाइंस के अंदर आंसर देना है। ठीक है, हम ये एवरेज मान के चल रहे हैं कि एक लाइन के अंदर आप 10 वर्ड्स को अगर फिट करते हैं तो 3-4 लाइंस के अंदर आपका एक आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जो आंसर्स आपको दिए ना, वो थोड़े से होलिस्टिक आंसर्स दिए। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि मैंने सारे डायमेंशन को कवर किया है। अब पर्टिकुलर स्टूडेंट, कोई ए स्टूडेंट है, उसको ये सही लग सकता है कि सर मैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट मेंशन करूंगा। किसी को लग सकता है सर मैं थर्ड पॉइंट फोर्थ को मेंशन करूंगा। किसी को सेकंड थर्ड सही लग रहा है। तो मैंने तो सारा का सारा कवर किया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा मेंशन करना है। ठीक है, तो वेरी हॉट एंड ड्राई एंड वेरी कोल्ड एंड वेट रीजन ऑफ इंडिया हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इन दिस लाइट एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाइमेट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के ऊपर हम इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए हमें क्या देखना है कि भाई एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की बात हो रही है, वेरी हॉट एंड ड्राई, ठीक है, वेरी कोल्ड एंड वेट। तो ये कैसे क्लाइमेट हो गए? एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गए। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर कभी भी पॉपुलेशन इतनी सस्टेन नहीं कर पाती है। मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिए थे। हमने बात की थी वेरी हॉट एंड ड्राई वाले के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान की बात की थी। ये कौन सा था? वेस्टर्न राजस्थान का सेक्शन था। ठीक है, वेरी कोल्ड एंड वेट की हमने जो बात करी थी वो कौन सा था हमारे पास में? लद्दाख वाला जो हिमालयन रीजन था उसके अंदर की बात हो रही थी। तो अगर हम इन पार्ट्स को देखें ना, यहाँ पे पॉपुलेशन हमें बहुत कम मिल रही थी। तो ये सही कह रहा है, लो डेंसिटी की बात यहाँ पे सही हो रही है। ठीक है, तो इन दिस लाइट एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाइमेट, कि क्लाइमेट किस तरीके से इंपैक्ट करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। जहाँ फेवरेबल क्लाइमेट है, प्लेन्स के अंदर देखते हैं हम बहुत सारी ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में कम मिलती है। तो क्लाइमेट का क्या रोल पड़ता है पॉपुलेशन पे, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्लाइमेट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये बात हम जानते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, द प्लेसेज वेयर द क्लाइमेट इज हार्श, हार्श मीन्स वेरी हॉट ड्राई, स्पेशली इन डेजर्ट्स, एंड वेरी कोल्ड स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड वेट रीजन्स लाइक
चेरापूंजी इन असम है वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमने एग्जांपल्स दिए हैं सबसे पहले कि जहां पे हमारे पास में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे हॉट क्लाइमेट हो गया, ड्राई क्लाइमेट हो गया, जैसे डेजर्ट्स वाला रीजन हो गया, जैसे राजस्थान की हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कोल्ड रीजन की, जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, है ना, तो उन सेक्शन के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन हमें कम मिलती है, जैसे चेरापूंजी आसाम है ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होने वाला पॉइंट है, तो वो वेरी लो डेंसिटी यहाँ पे हमें मिलती है। देन पीपल लाइक टू लिव इन मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन के सस्टेन करने के लिए उनके लिए एक मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं, बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं, ठीक है। तो एक मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए जो प्लेन्स के अंदर मिलता है। तो उसका रीजन कौन कौन सा हो गया, एक तो वेस्ट बंगाल उसमें आता है, उत्तर प्रदेश उसमें आता है, महाराष्ट्र उसमें आता है। तो इन रीजन के अंदर क्या है, हाई डेंसिटी है। रीजन क्या है, प्लेन्स के अंदर कवर होते हैं ये पार्ट्स। देन विच स्टेट्स हैव लार्ज रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। लार्ज रूरल पॉपुलेशन को हमें बताना है कि ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहां कहां पे आ रही है। गिव वन रीजन फॉर सच लार्ज रूरल पॉपुलेशन, क्या एक कारण है कि हमारे पास में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। हमने बात की थी अराउंड 30% के आसपास ही इंडिया की कौन सी पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो अर्बन पॉपुलेशन इतना लो क्यों है, ये लो क्यों है पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन कम होने का रूरल पॉपुलेशन ज्यादा होने का कोई तो लॉजिक होगा, वही हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, यूपी, बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। द रीजन फॉर हाई रूरल पॉपुलेशन इज दैट दीज एरियाज आर द वंस विथ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, हेंस लो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट विच टेंड टू इनहेबिट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या रीजन बताए हुए हैं, रीजन ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर, ओडिशा, यूपी, बिहार, सिक्किम, इन सारे रीजन के अंदर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इन एरियाज में रूरल पॉपुलेशन का ज्यादा होने का रीजन क्या रहा, एक तो यहाँ पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो फर्स्ट वाला हमारे पास में तो ये रीजन आ गया। देन फिर सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे लो है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें कम मिलता है, और फोर्थ हमारे पास में यहाँ पे इस वजह से अर्बनाइजेशन नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज्यादा हो रखी है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स है, आप चाहें तो फर्स्ट लाइन के अंदर यहां तक इसको मेंशन करके फिर रीजंस की एक हेडिंग लगा के और रीजंस के अंदर इनको 1, 2, 3 और 4 ऐसा पॉइंट करके मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिए। देन व्हाई डू सम स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव हाई रेट्स ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन, ठीक है। देन अदर्स, कुछ स्टेट्स के अंदर हमने देखा कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, कुछ के अंदर कम है, तो ऐसा क्या रीजन है उसको भी हम देखते हैं। इसमें हमें क्या बताना होगा, वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज द नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास में पूरे इंडिया के अंदर अगर हम रेशियो देखें तो बहुत कम आता है, यानी एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल अगर अर्न कर रहे हैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है, ठीक है। और एक अच्छी इकोनॉमी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए हमेशा ये कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास में ज्यादा लोग अर्निंग के अंदर जाएं और डिपेंडेंट्स हैं वो कम से कम हो, ठीक है, तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सम ऑफ स्टेट्स इन इंडिया लाइक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा टेंड टू हैव हायर वर्क पार्टिसिपेशन रेट। तो पहले हमने बताया कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके अंदर हायर वर्क पार्टिसिपेशन रेट है। देन द वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड्स टू बी हायर इन द एरियाज ऑफ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म सबसिस्टेंस और नियर सबसिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द एब्सेंस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। तो हमें क्या रीजन यहाँ पे मिल रहा है कि जहाँ पे लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी वहां पे मैनुअल लोगों को काम करने की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, तो लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से मैनुअल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, ठीक है। और मैनुअल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा कि लोग वहां पे ज्यादा चाहिएंगे, ठीक है। तो जब लोग वहां पे ज्यादा चाहिए तो वो कौन से काम के अंदर चाहिए, सबसिस्टेंस वाले काम के अंदर चाहिए होते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है तो वहां पे लेबर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लेबर वो जो काम कर रहे हैं तो वो सबसिस्टेंस वाला काम हो गया है। तो इस तरीके की कुछ जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज के अंदर चाहिए। या फिर मान लीजिए कि एक एग्रीकल्चरल रीजन है जहां पे बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, लेकिन मान लीजिए एक शुगर मिल है वो कोई एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे रॉ मटेरियल तो अच्छा होता है लेकिन वहां पे शुगर मिल एस्टेब्लिश नहीं है, तो लोग वहां पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे काम करेंगे। वहां पे वो शुगर के इनको कटिंग करना, उसको लोड करना, उसके बाद में उसको वहां तक पहुंचाना, उन सब एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज रहेंगे बजाय
कि शुगर मिल के अंदर काम करना, क्योंकि वहां पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस वजह से लोग उन एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा एंगेज रहते हैं। देन द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन वर्कर्स, ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन वर्कर्स एक्सप्लेन। अब ये बात तो फैक्ट है, हमें पता है कि तीनों जो सेक्टर्स अगर हम देखें हमारी इंडियन इकोनॉमी के, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज्ड हैं वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा लोग क्यों काम कर रहे हैं, उसका रीजन हमें बताना है। तो उसका रीजन हमारे पास में क्या है, उसको हमने मेंशन किया है। देखो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन एक आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर आप इसी क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन का क्वेश्चन है थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे तो देखने के अंदर ही अच्छा लगता है ना। द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन शोज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी वर्कर्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स कंपेयर्ड टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हमने तीन सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक है हमारे पास में प्राइमरी, एक है हमारे पास में सेकेंडरी एंड थर्ड है हमारे पास में टर्शियरी, ठीक है। ये तीन हमारे पास में सेक्टर्स है जिनके अंदर लोग काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हमारे पास में क्या हो गए, सेक्टर्स हो गए, इन सेक्टर्स के अंदर लोग एम्प्लॉयड रहते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सा आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है ना, ये एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर को मेंशन कर दिया गया है, प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स। एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। तो हमने क्या बताया, इंडस्ट्री एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, देखो कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर के अंदर 54.6% ऑफ पॉपुलेशन आ रहा है, ठीक है, देन हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज के अंदर 3.8% पॉपुलेशन आ रहा है, देन अदर वर्क्स जो रह गए नॉन हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ट्रेड हैं, कॉमर्स है, कंस्ट्रक्शन का है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कोई काम होते हैं, उनके अंदर 46.6%। तो मैक्सिमम किसके अंदर जा रहा है, टॉप मोस्ट कौन सा है हमारे पास में, ये है कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी जहां पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं उसमें मोस्टली किसके अंदर इंगेज्ड है, कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स के तौर पे, कितना 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है ना, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देन इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों कह रहे हैं, रीजन हमारे पास में सामने है, ठीक है, इतना हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इसमें एंगेज्ड है, विद मैक्सिमम पॉपुलेशन एंगेज्ड इन इट एज अ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द अदर सेक्टर्स आर लिमिटेड ड्यू टू लो रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब हमने साथ साथ में रीजन बता दिया कि सेकेंडरी टर्शरी में लोग ज्यादा काम क्यों नहीं करते, उसका रीजन क्या है, लो रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। वर्कर्स आर डिक्लाइनिंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स फ्रॉम 66.85% टू 58% इन 2001 टू राइज इन शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर। बेसिकली हो क्या रहा है इंडियन इकोनॉमी के साथ में, ये इकोनॉमी से थोड़ा सा रिलेटेड है लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन तीनों सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज इसके अंदर आता है और सर्विस सेक्टर इसके अंदर आता है, ठीक है ना, यहाँ पे आता है इसका पार्ट सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर इसका पार्ट आता है। अब देखिए हमारी इंडियन इकोनॉमी एक ट्रांजिशन के फेज में अभी चल रही है, ट्रांजिशन के फेज में चलते हुए क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग जो यहाँ काम कर रहे थे, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो यहाँ काम कर रही थी वो अब इससे इस सेक्टर के अंदर मूव कर रही है, यानी प्राइमरी से लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर आते जा रहे हैं। जब प्राइमरी से टर्शरी के अंदर उनका ट्रांजिशन हो रहा है तो उसकी रेट क्या है, अभी उसकी रेट तो अभी लो है, लेकिन सेकेंडरी के अंदर ना जाते हुए टर्शरी में जा रहे हैं क्योंकि इसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सर्विस सेक्टर जो है उसके अंदर रेडिली इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एजुकेशन लोग पाते हैं उनको सर्विस सेक्टर के अंदर इजीली जॉब मिल जाती है बजाय के इंडस्ट्रीज। इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर से हमारा ज्यादातर ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, टर्शरी सेक्टर के अंदर हो रहा है, टर्शरी का मतलब आप क्या मान सकते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स, ठीक है, 150 वर्ड्स हमारे पास में हो गया, 15-20 लाइंस, ठीक है। डिस्कस द स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए इसका आंसर का तरीका क्या रहेगा, पॉइंट्स में अगर हम मेंशन करें तो ज्यादा बेटर है ना, एग्जामिनर भी जो होता है उसको भी क्या एक बोरिंग नहीं होता है, लगता है कि भाई जब एक पैराग्राफ्स को वो पढ़ रहा होता है, जो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं उससे उनका अटेंशन भी बना हुआ रहता है, तो हमारे मार्क्स रिटेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहां पे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो 12th बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। द स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, बहुत कॉमन हमारे पास में फैक्ट है। जैसे आपको इंडिया की पॉपुलेशन 1210 मिलियन तो पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, उसी के साथ में आपको डेंसिटी भी पता होनी चाहिए कि इतना डेंसिटी है,
एरिया ऑफ वेरी हाई डेंसिटी ड्यू टू माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, रीजन क्या थे, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, फर्टाइल प्लेन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक इन दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार। ठीक है, हाई डेंसिटी क्यों मिलती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड है, तो हर एक आदमी अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए दिल्ली मूव करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी सेम यही कंडीशन है, और बिहार के अंदर हमारे पास में एग्रीकल्चर की वजह से वहां पे एक तो रीजन है कि भाई अच्छा फर्टाइल लैंड है, उस वजह से भी वहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रखी है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला के अगर हमने एरिया की बात की थी उसमें हमारे पास में बिहार आ रहा था, और इनका रीजन क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और इसके अंदर भी सिमिलर टू बिहार रीजन आप मान सकते हो ना, कि वैसा वैसा यहाँ पे एक रीजन है। देन एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ड्यू टू हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, कोस्टल फर्टाइल प्लेन्स एंड फर्टाइल प्लेन लाइक इन पंजाब, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुछ एरिया है जिनके अंदर हाई डेंसिटी मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि उनके अंदर हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर है। अब पंजाब के अंदर आप देखते हो, ठीक है ना, पंजाब में क्या आपको प्लेन्स मिल रहे हैं, उन पंजाब के अंदर जो प्लेन्स हैं वहां पे क्या है, बहुत फर्टाइल लैंड होने की वजह से भी वहां पे लोगों ने दूसरे सेक्टर के अंदर एक तो मूव नहीं किया, जहां पे पानी है, जहां पे फर्टाइल लैंड है, वहां पे पॉपुलेशन अपने आप से होगी, माइग्रेट नहीं करेगी, तो इस वजह से पंजाब के अंदर यही सेम कंडीशन, सेम हरियाणा के अंदर, केरला को भी हमने देखा था इनिशियली, क्योंकि जो कोस्टल प्लेन है, रिवर्स भी है वहां पे, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, और उत्तर प्रदेश तो पूरा हमारा जो प्लेन्स का रीजन हो गया उसके अंदर आ ही रहा था। ठीक है, तो ये हमने रीजंस को मेंशन किया। तो देखो सबसे पहली चीज पॉपुलेशन डेंसिटी को पूछा, तो आंसर दिमाग में आना कैसे चाहिए, सबसे पहली बात पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है तो मुझे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी पता है, वो लगा देनी है, वो लिख दिया जी, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज कौन कौन से थे वो मेंशन कर देने हैं, तो वो हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, अब वो मेंशन जब हम कर रहे हैं तो हमारे माइंड में आएगा कि अच्छा वो तो सबसे ज्यादा तो हमारे पास में बिहार वाला था, उसके बाद में क्या था कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमें वहां भी देखने को मिलती है जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है, तो अपने आप से हमारे पास में सेकंड पॉइंट के अंदर एडिशनल चीज आ गई कि इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है, मतलब दिल्ली वाला एरिया भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, उसके बाद में हम ऐसे ही मुंबई और चेन्नई का भी एग्जांपल यहां पे मेंशन कर सकते थे। फिर थर्ड हमारे पास माइंड में आना चाहिए कि अच्छा हमने पॉपुलेशन डेंसिटी बता दी, रीजंस बता दिए, अब हमें ये भी तो पता है कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं कि एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि लैंड फर्टाइल है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो उसकी वजह से भी वहां पे डेंसिटी अच्छी होगी, तो हमने फोर्थ थर्ड पॉइंट में वो मेंशन कर दिया। फिर हमने कहा अच्छा हाई डेंसिटी के बारे में तो हमने बता दिया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा था, मॉडरेट को भी मेंशन कर देते हैं, लो को भी मेंशन कर देते हैं, तो ये हमने फिर मॉडरेट डेंसिटी का पॉइंट लिख दिया। तो उसके अंदर बताया कि भाई मॉडरेट डेंसिटी कहाँ आई थी, एग्रीकल्चरल और मिनरल रिसोर्सेज वाले रीजन के अंदर आ गई थी, जैसे झारखंड वगैरह रीजन थे, तो वहां पे हमने बताया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब क्यों मेंशन किए हमने, वो इसलिए मेंशन किए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर धीरे धीरे डेवलप होने लग गया था, मिनरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे मिलने लग गए थे, तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी। यही सेम चीज आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, वहां पे भी मिनरल्स मिलने लग गए थे, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई, तेलंगाना के अंदर भी, दो अलग अलग मेंशन हमने कर दिया, अदरवाइज आंध्र प्रदेश रीजन भी हम कर सकते हैं। फिर ओडिशा, झारखंड वाला पूरा बेल्ट छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट होता है, तो वहां पे बहुत अच्छे मिनरल्स मिलते हैं, मैंने आपको सेल का एग्जांपल दिया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वहां पे अपना प्लांट्स लगाए हैं, कोल की अवेलेबिलिटी वहां पे है, आयरन की अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, इस वजह से वहां पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, वहां पे पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी। ठीक है, यही महाराष्ट्र और गुजरात का रीजन भी हमारे पास में आप इसी तरीके से दे सकते हैं। देन एरिया ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी मेंशन कर दिया, मॉडरेट कर दिया, लो कर रहे हैं, तो लो डेंसिटी कहाँ कहाँ पे होगी, माउंटेनियस रीजन होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा उन रीजन के अंदर, तो हमने बता दिया माउंटेनियस एरियाज के अंदर, डेजर्ट रीजन के अंदर, रग्ड टोपोग्राफी के अंदर, जैसा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो कंडीशन है, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है ना, तो ये हमने मेंशन कर दिया। देन सच एन अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट, अब इसका कंक्लूजन बेसिकली क्या निकलता है, इन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जब हमसे पूछा, हमने बता दिया कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, क्या क्या चीजें, अब हमें यह बताना है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास में ऐसी आ रही है, तो अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होने का कंक्लूजन क्या निकला। एक तो हमें यह पता लगा कि जो पॉपुलेशन होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये जब हमने चैप्टर को पढ़ा था उस टाइम पे भी हमारे पास में मेंशन किया था। ठीक है, फिर क्लाइमेट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, क्लाइमेट अलोंग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है पॉपुलेशन के सेटल होने के लिए, है ना, वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर नहीं होगा तो फिर वहां पे क्या करेंगे, कितना टाइम रह लोगे आप, है ना, लेकिन टेरेन आपके पास में कुछ खराब सी है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी है तो आप रह लोगे, जैसे आप माउंटेनियस रीजन का एग्जाम्पल ले लो,
मणिपुर मेघालय के अंदर पॉपुलेशन रहती तो है ना, रीजन क्या, क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है, लेकिन जैसलमेर के कुछ ऐसे पॉकेट्स या पूरे इंडिया के कुछ ऐसे पॉकेट्स जहां पे पानी नहीं है, वहां कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में आ गए थे ये रीजंस, फिर एक आ गया था क्लाइमेट, एंड द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स डेल्टास कोस्टल प्लेन्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स। हमने पढ़ा था कि इंटीरियर इंडिया का जो पार्ट है, जैसे सेंट्रल इंडिया के भी कुछ पॉकेट्स हो गए थे, या फिर आप सदर्न का जो रीजन ले रहे थे डेक्कन के अंदर, उसका भी आप कुछ अगर पार्ट छोड़ दें, तो साउथ के अंदर कुछ ऐसे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पे आपको कम पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है। और हिमालयाज का रीजन तो था ही, जहां पे हमने बात करी थी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कम पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, राजस्थान में पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पे अच्छी होने लग गई, एग्रीकल्चर उससे सस्टेन होने लग गया, पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी इजी हो गई वहां पे ना। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन झारखंड एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन पेनिनसुलर स्टेट्स, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बन गई, झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन के अंदर आपको मिनरल्स मिल गए थे, और राजस्थान में आपने वाटर अवेलेबल करवा दिया, इस वजह से क्या हो गया, इन रीजन के अंदर जहाँ पे हिस्टोरिकली पॉपुलेशन थोड़ी कम रही थी, वहां पे भी पॉपुलेशन की डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ठीक है। तो रिजल्टेड इन मॉडरेट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एरियाज विच वर प्रीवियसली वेरी थिनली पॉपुलेटेड, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको एक समझा दिया होगा अच्छे से। देखिए इसको एक बार हम वापस से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा था। तो सबसे पहले हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बता दी भाई कितना है, 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में हमने बताया हाईली डेंस एरियाज कौन कौन से हैं, हाईली डेंस एरियाज के बाद में हमने बताया कि भाई उनका रीजन क्या है हाईली डेंस एरियाज का, साथ में वो हमने मेंशन कर दिया था यहाँ पे माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने मेंशन कर दिया था। फिर हमने यहाँ पे बात करी है कि हाई डेंसिटी वाले एरियाज कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश बता दिए। फिर इसी तरीके से मॉडरेट वाले बता दिए, फिर लो वाले बता दिए। तो तीन पॉइंट्स तो हाई, मॉडरेट, लो ने हमें दे दिया, और पहले वाले दो पॉइंट्स एक तो फैक्ट ने दे दिया और दूसरा हमारे पास में रीजन ने दे दिया। फिर अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होने का रिजल्ट क्या निकलता है वो हमने बता दिया कि भाई पॉपुलेशन के बीच में, फिजिकल फैक्टर्स के बीच में, सोशल और इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है। फिर हमने बताया भाई क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंडेंसी है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंस कैसी है वो हमने समझ लिया। फिर हमने बात की कि भाई सुटेबल टेरेन होती है तो उसका कितना फायदा रहता है, तो हमने वो देख लिया कि भाई इन रीजन्स के अंदर क्या है, हाई पॉपुलेशन है। फिर हमने ये देख लिया कि अच्छा जहां जहां पे आपने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे इरिगेशन आपने अवेलेबल करवा दिया, उसके बाद में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी आपको मिल गई, उसके बाद में आपने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपने डेवलप कर दी, तो उन रीजन्स के अंदर भी पॉपुलेशन आपके पास में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे आंसर को अपने सम अप कर दिए। देन अब ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, अब इनमें से अगर आपको जो भी ठीक लगे आप कंक्लूड करने के लिए दे सकते हो। बेसिकली ये जो चीजें समझाई थी ना, फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इनको इन डिटेल चैप्टर की तरह हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने उनको वहां पे बाद में मेंशन किया, ठीक है। आपका आंसर यहां तक में सफिशिएंट रह सकता है, 150 वर्ड्स हो जाएंगे, बस मैंने समझाने के लिए यहां पे ये रखा है। सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट वंस आर इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन डिटेल उसको थोड़ा सा खोल के लिखा है लास्ट वाले पॉइंट्स को, ठीक है। फिर रीजंस फॉलिंग इन द रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया हैव रिमेंड द रीजंस ऑफ लार्जर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। इवन दो द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर इन दीज रीजंस हैव शोन द साइन ऑफ डिग्रेडेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये हमने जो चैप्टर के अंदर चीजें पढ़ी थी उन्हीं को मैंने बस यहाँ पे लिखा एक बार के लिए ना। द अर्बन रीजन्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, इन सब के रीजन में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, अर्बनाइजेशन हो रखा है, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में गिवन अकाउंट ऑफ एन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, क्या पूछा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसको हम समझते हैं, पॉपुलेशन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। देखो अभी तक तो हमने बात करी थी उसको अलग अलग फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करने के लिए कि हाँ कौन कौन से पे पॉपुलेशन हमारी डिपेंड कर रही है,
ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन तो डिपेंड कर रही है, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स पे, क्लाइमेट पे, इन सब चीजों पे, लेकिन पॉपुलेशन को अगर हम क्या करें, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो पॉपुलेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो पॉपुलेशन के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, कितने, तीन पार्ट होते हैं, तीन ग्रुप बनते हैं। पहला है मेन वर्कर्स, फिर है मार्जिनल वर्कर्स, और फिर है नॉन वर्कर्स। ठीक है, नॉन वर्कर्स तो वो हो गए जो काम नहीं करते हैं। मेन और मार्जिनल वर्कर्स क्या होते हैं, मेन और मार्जिनल वर्कर्स को हम समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए मेन और मार्जिनल वर्कर्स क्या होते हैं, मेन वर्कर्स वो होते हैं इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज, ठीक है, और 6 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, 183 डेज जो काम करता है उसको आप क्या कहोगे, मेन वर्कर कहोगे। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये सेंसस की डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये सेंसस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, ये मनमर्जी से बनाई हुई डेफिनेशन नहीं है कि मेन वर्कर कौन हो जाएगा, सेंसस ने डिफाइन की हुई है, हमारी बुक के अंदर दी हुई है, वो डेफिनेशन है। फिर एक मार्जिनल वर्कर, वहां पे वर्ड आया था मार्जिनल वर्कर कौन होगा, इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज, ठीक है, 6 मंथ से कम काम कर रहा है मार्जिनल वर्कर है, 6 मंथ से ज्यादा काम कर रहा है तो वो हमारे पास में क्या हो गया, मेन वर्कर हो गया। 6 मंथ्स इससे अगर हमारे पास में ज्यादा काम कर रहा है तो वो कौन हो जाएगा, मेन वर्कर, ठीक है, और 6 मंथ से कम काम कर रहा है वो जाएगा आपका मार्जिनल वर्कर। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है, जो मोर देन 6 मंथ्स काम करे, ठीक है, या एटलीस्ट जो 183 डेज काम करे, तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, मेन वर्कर हो जाएगा, है ना। फिर ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज जो हैं उनको देखो हमने किस तरीके से डिवाइड किया है ना, ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज को हमने सेंसस ने डिवाइड किया है कि भाई चार कैटेगरीज मेनली हो सकती हैं। कौन कौन सी चार कैटेगरीज हैं, एक कल्टीवेटर हो सकता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास में एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो सकते हैं, तीसरा हमारे पास में हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं, चौथा हमारे पास में अदर वर्कर्स हो सकते हैं। तो 2001 का सेंसस जो था उसने अभी कुछ चार कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड करके दिया था ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज को, ठीक है। तो चलिए, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बोथ मेन एंड मार्जिनल इज ओनली 39.8% अकॉर्डिंग टू 2011 एंड अबाउट 60% एज नॉन वर्कर्स। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर 60% क्या है, नॉन वर्कर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के कितने आ रहे हैं, 39.8% आ रहे हैं, ठीक है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेता हूँ, 40%, समझने के लिए इजी रहेगा हमारे पास में। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि भी 40% लोग ही काम कर रहे हैं, 60% लोग काम नहीं कर रहे हैं एक इकोनॉमी में, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्दी साइन है या नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेन एंड मार्जिनल वर्कर्स जो पूरा है वो 40% ही हमारी पूरी पॉपुलेशन का बन रहा है, मतलब 1/4 पॉपुलेशन जो है ना हमारे पास में, या हमारे पास में पॉपुलेशन का मेजॉरिटी पार्ट क्या है, नॉन वर्कर्स का आता है। अब नॉन वर्कर्स कोई भी हो सकते हैं, नॉन वर्कर्स सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं ना, जैसे मान लो कि किड्स हैं या एल्डरली लोग हैं या फिर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर बोथ मेन एंड मार्जिनल हो गए थे 39.8% और 60% हो गए थे नॉन वर्कर्स। दिस इंडिकेट्स एज एन इकोनॉमिक स्टेटस इन विच देयर इज अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, विच मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पीपल। अब अंडर एम्प्लॉयड पीपल मतलब जिनको बहुत कम काम में मिल रहा है ना, जो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर भी नहीं आ रहे, तो वो नॉन वर्कर्स की कैटेगरी में जिनको हमने रखा है वो अंडर एम्प्लॉयड पीपल भी इसके अंदर आ जाएंगे। द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विच एक्चुअली मीन्स एंगेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज शोज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर ज्यादातर लोगों का जो एंगेजमेंट है फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज, इन सारे सेक्टर्स में, तो बेसिकली क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर आया था और फिर हमारे पास में टर्शरी था, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी के अंदर तो मोस्ट ऑफ द लोग काम कर रहे थे, 54.6% था, मैं अप्रोक्सीमेट 55% लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद में लोग किसके अंदर ज्यादा जा रहे थे, सीधा टर्शरी के अंदर ज्यादा जा रहे थे, तो सेकेंडरी से टर्शरी में लोग मूव करते हुए जा रहे थे। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इन दोनों में तो लोग कम है, अराउंड अराउंड मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ आ गए, 50% तो अकेला लेके बैठा है स्टेक, तो इन दोनों में लोग कम होने ही होने। और उसके बाद भी जो लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं वो सीधा किस में जा रहे हैं, टर्शरी के अंदर जा रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में आपको लोग बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो ये भी हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का एक पॉइंट बताया। देन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इसके बारे में कुछ चीजें हमने बताई है। बींग एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, इंडिया हैज अबाउट 54.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जितने भी काम है उसके अंदर कितना, लगभग 55% पर पॉपुलेशन एंगेज है इन इंडिया। द प्राइमरी सेक्टर हैज अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। अभी हमने बात कही थी, ठीक है, प्राइमरी के अंदर सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा किसमें, प्राइमरी के अंदर है। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली थी, प्राइमरी के अंदर सबसे ज्यादा थे, सेकेंडरी और टर्शरी में उनसे बहुत कम थे। फिर अदर मेजर ऑक्यूपेशंस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज, इन सब कामों के अंदर लोग इंगेज हैं लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। द एंटायर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कंपोजेज ऑफ 54.6% ऑफ कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, 41.6% ऑफ वर्कर्स इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड 3.8% ऑफ वर्कर्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमें क्या पता लग गया, 54.6 है कल्टिवेटर्स, देन 41.6 है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और कॉमर्स के अंदर, देन 3.8 कितना है हाउस होल्ड के अंदर है। ठीक है, तो तीन कैटेगरीज मिल गई है आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन जो वर्किंग है। कौन कौन सी वाली की बात कर रहे हैं, वर्किंग मतलब ये दोनों जो जहां पे काम कर रहे हैं, ये जो 39.8 मतलब 1210 मिलियन में से इसका कितना, 40% लोग तो काम कर रहे हैं, 1210 मिलियन में से 40% काम कर रहे हैं। अब ये 40% कहां कहां काम कर रहे हैं वो बताया है। उन 40% जो काम करने वाले हैं उनमें से 54.6% कल्टिवेटर्स, उनमें से 41.6% मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स में, और रिमेनिंग 3.8 किसमें, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में। आ रही है बात समझ में। देन दो द मेल आउट नंबर द फीमेल्स इन वर्क एरियाज, मतलब मेल जो है ना वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर फीमेल से ज्यादा है। ठीक है ना, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हर एक सेक्टर के अंदर बात कर रहा हूँ। हमें पहले सबसे पहली चीज ये देखनी है कि भाई जो वर्क एरियाज है इंडिया के अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखें तो मेल वहां पे फीमेल से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फीमेल के अंदर वर्कर्स में इंक्रीज हो रही है, बट प्राइमरी सेक्टर एंड इन रिसेंट ईयर देर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट इन द वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। देखो सबसे पहली बात तो वुमेन ज्यादातर काम कहाँ करती थी, पहले वुमेन काम करती थी एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे, वो भी फैमिली के अंदर जो उनका खेत हो रहा था वहां पे मोस्टली वो काम करती थी। उसके बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर किस में आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, अभी हमने पहले तीन पार्ट के अंदर उसको डिवाइड किया था, मैं फिर से एक बार इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपके समझने के लिए, सो दैट कि इस पूरे का मैं जिस्ट आपको दे सकूं। एक था प्राइमरी, एक था सेकेंडरी और एक था टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी के अंदर आपके पास में कौन सा आ गया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर आपका कौन सा आ गया, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ठीक है, टर्शरी में आपका मोस्टली कौन सा आ गया, सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये आ गए थे। अब हम मैंने जो आपको बताया था एग्रीकल्चर एंड अलाइड, इसमें कितना है, लगभग 55%, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं 54.6% पॉपुलेशन था, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 55 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास में था 41.6% ये वाला। ठीक है, और फिर था 3.8% ये वाला, है ना, यही तो था। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स में आ गया, 3.8 आ गया था हमारे पास में हाउस होल्ड के अंदर आ गया था। ठीक है,
देखिए जो आपके पास में अभी ये जो 55% था इसमें मोस्टली विमेन काम कर रही थी। अब विमेन जो यहाँ पे काम कर रही थी वो पहले क्या था कि वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर ही वो काम कर रही होती थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वैसे ही कम काम कर रहे थे लोग, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये इसका पार्ट नहीं है, 41.6% इसका पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास में लोग तो वैसे ही कम काम कर रहे थे, जब इस सेक्टर के अंदर लोग कम काम कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सेक्टर में ना जाके ज्यादातर वो किस में जा रहे हैं, सीधा टर्शरी के अंदर मूव कर रहे हैं, और विमेन का एजुकेशन परसेंटेज वैसे भी लो है, तो विमेन के पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम थी और इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज कम थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी विमेन हाईएस्ट परसेंटेज में, लेकिन अब विमेन ज्यादातर किस में जाने लग गए हैं, टर्शरी के अंदर जाने लग गई है इंडस्ट्रियल के कंपैरिजन में। तो आपको एक ब्रीफली अगर सारी चीज को समराइज करना है तो आप ये ध्यान रख सकते हो, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर अलाइड फील्ड के अंदर काम कर रही है, फीमेल के लिए भी सेम कंडीशन। उसके बाद में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के बाद में कहाँ जाना स्टार्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टर्शरी के अंदर, और फीमेल के लिए भी वही कंडीशन होती जा रही है, लेकिन फीमेल के लिए दोनों ही रेट्स अभी बहुत लो हैं, ठीक है। फीमेल भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर दोनों के अंदर जा रही है, लेकिन उनका अभी पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा कम है। तो ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया 3.8% है जो आपके पास में क्या है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज के अंदर है, 41.6% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स का। देन हम बात करते हैं द पार्टिसिपेशन रेट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स है रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज तो हुआ है। दिस इंडिकेट्स अ शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म बेस्ड वन, ठीक है। इसका मतलब क्या था, एग्रीकल्चर से जो मैंने आपको कहा टर्शरी के अंदर जा रहे हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहे हैं वो शिफ्ट है, उसके यहाँ पे बात की गई है। इंडिकेटिंग अ सेक्टरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द कंट्री इज वेरी वाइड, ठीक है। अलग अलग एरियाज में लोग अलग अलग सेक्टर में काम करना प्रेफर करते हैं। द स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैव वेरी लार्ज शेयर ऑफ कल्टिवेटर्स, ठीक है। फैक्ट था हमारे पास में, स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है। सारे स्टेट्स ना याद रहे, दो तीन स्टेट्स तो आप याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनकी कुछ आप ट्रैक बना सकते हैं, उसके बारे में आप याद रख सकते हैं इसको कि एग्रीकल्चरल लेबर के अंदर सबसे ज्यादा कौन कौन से है, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, और कल्टिवेटर्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। हाईली अर्बनाइज एरियाज लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पौंडीचेरी हैव अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बीइंग एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है यहाँ पे ज्यादातर, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया था। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।